नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2016 के बारे में। जी हां, इसमें हम आपको बताएंगे कि जून 2016 आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, जिससे आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और उस पर अमल करके बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वाला, जून के महीने में भी मेहनत का दौर जारी रह सकता है। इस महीने भी आपको धैर्य व सावधानी के साथ काम लेना होगा। वाहन आदि सावधानी से चलाना जरूरी रहेगा। महीने का पहला भाग कुछ खर्चे लिए हुए नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे भाग में आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कामों के बनने और लाभ कमाने के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। उपाय के रूप में पवित्र स्थान में बादाम दान करना शुभ रहेगा। और बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, यह महीना आपके भीतर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दे सकता है। ऐसे में स्वयं को क्रोध व चिड़चिड़ेपन से बचाएंगे तो बेहतर रहेगा। महीने के प्रथम पक्ष में आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। इस अवधि में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती भी प्रतीत हो रही है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य और साथ ही उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखना जरूरी होगा। महीने के दूसरे भाग में घरेलू और आर्थिक मामलों को सावधानी से निपटाने की जरूरत रहेगी। वाणी पर भी संयम रखना बहुत जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपने पैतृक घर की साफ सफाई व मरम्मत करवाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और शुभता आएगी। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, इस महीने आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसमें आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सफल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य की जो स्थिति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि किसी सरकारी काम में अड़ंगा डालना या किसी ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति से उलझना आपके लिए ठीक नहीं होगा। बेकार के खर्चों से बचना भी सही रहेगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होती नजर आ रही है, लेकिन इस समय स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से आपको मंदिर जाना चाहिए। और बात कर ली जाए कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल नजर आ रहा है, लेकिन मित्रों व स्वजनों से नाराजगी ना होने पाए ऐसा प्रयास आपको भी करना होगा। महीने के पहले भाग में सूर्य देव आपके को लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी लाभ की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस समय आपके लगभग सभी महत्वपूर्ण कामों के पूर्ण होने के भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वो थोड़ा सा खर्चे भरा रह सकता है। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, साथ ही व्यर्थ की यात्राओं से बचना होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस मदिरा से अगर आप परहेज करेंगे तो जीवन में ज्यादा सकारात्मकता देखने को मिलेगी। और अब बात कर ली जाए सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सामान्यतः इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बस जरूरत रहेगी कि आप अपने दिलो दिमाग और घरेलू शांति को बनाए रखें, यानी इन दोनों जगहों पर शांति बनी रहे। महीने का प्रथम भाग आपके कार्य व्यापार को काफी अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। वरिष्ठ लोग हों या फिर उच्च अधिकारी, सब आपका फेवर करते प्रतीत हो रहे हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में लाभ की स्थितियां काफी मजबूत होती नजर आ रही हैं। कुछ फायदा दिलाने वाले प्रस्ताव मिलने की भी संभावनाएं हैं। यात्राओं से भी आपको आनंद मिलने वाला है, साथ ही साथ धन मिलने के भी योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में नीले रंग के कपड़े किसी गरीब को अगर दान करेंगे तो जीवन में बेहतरी जरूर आएगी। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आप अच्छे परिणाम पाने में कामयाब रहेंगे। अलबत्ता शुरुआत में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा जरूरत रहे, तो धैर्य के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रथम पक्ष में विदेश जाने के लिए या धार्मिक यात्राओं के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो समय अनुकूल है, आपको उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। महीने का दूसरा भाग आपके कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मान सम्मान में भी इजाफा होता नजर आ रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चावल का दान करना, खासकर शिव मंदिर में दान करना शुभता लाएगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस महीने आपको लगभग हर मामले में सावधानी से काम लेना होगा।
सावधानी इस बात की भी रखनी होगी कि कोई आपका बहुत करीबी आपकी किसी बात से रूठ ना जाए। सावधानी ये भी रखनी होगी कि जमा पूंजी गलत हाथों में ना चली जाए। विशेषकर महीने के पहले भाग में अनैतिक कामों से स्वयं को दूर रखना ही उचित होगा। संदेहास्पद सौदों से बचना बहुत जरूरी होगा। बहुत विचार विमर्श करके ही कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। महीने के दूसरे पक्ष में आपकी समस्याएं काफी कम होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सहकर्मियों को आटे वाला बिस्किट खिलाना आपके जीवन में बेहतरी ला सकता है। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, यह महीना काम धंधे के लिहाज से तो संतोषजनक रह सकता है, लेकिन निजी मामलों के लिए समय थोड़ा सा कम अनुकूल है। अतः प्रियजनों और जीवन साथी के लिए विशेष चिंतन मंथन करना होगा। यदि आप जल्दबाजी में कोई व्यापारिक निर्णय करने जा रहे हैं तो सुझाव यही है कि संभव हो तो इस महीने रुक जाएं, यही उचित रहेगा। आप मानसिक रूप से थोड़े से तनावग्रस्त भी इस महीने रह सकते हैं। अतः उचित आचरण करते हुए अपना ख्याल रखें और मीठी वाणी का प्रयोग करते रहें। उपाय के रूप में कन्याओं को मीठी खीर खिलाना शुभ रहेगा। और अब बात धनुराशि की। धनुराशि वालों, यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत बेहतर रहने वाली है। इस अवधि में आप हर काम को बड़ी निष्ठा और बड़ी ही लगन के साथ निपटाना चाहेंगे। विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। कामों में सफलता मिलेगी। नौकरी के हालात में सुधार होते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको सावधानी से काम लेना होगा। किसी प्रियजन को आपसे कोई शिकायत रह सकती है, उसकी शिकायत को दूर करने का प्रयास करें। दैनिक कामों में भी आपके थोड़े से व्यवधान रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गंगा जल का छिड़काव यदि आप घर में करेंगे, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जरूर आएगी। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना आपको काफी अनुकूलता देता हुआ नजर आ रहा है। महीने के पहले भाग में आपको अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, उससे आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा सा कम अनुकूल है। संतान या शिक्षा को लेकर यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें तेजी लाएंगे, तभी वो काम पूरा हो पाएगा। महीने का दूसरा भाग और अच्छा है। आपकी सारी समस्याएं दूर होने के योग बन रहे हैं। आप सफलता तो पाएंगे ही, साथ ही मान सम्मान भी मिलेगा। नौकरी के हालात में सुधार होता हुआ भी नजर आ रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घर के दक्षिण पूर्वी भाग में लाल रंग का छोटा सा बल्ब जलाएं। ध्यान रखें कि अगले महीने उस बल्ब को उतार देना है। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, वैसे तो काम धंधे के लिए यह महीना जो है वो काफी अनुकूल नजर आ रहा है, लेकिन घरेलू परेशानियां अथवा मानसिक तनाव जो है आपके दिमाग में रह सकता है, जिसके कारण आपका मन काम में कम लगेगा। विशेषकर महीने के पहले भाग में तो आपको घरेलू जीवन पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको वाहन आदि भी चलाना होगा सावधानी के साथ में। अगर चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महीने के दूसरे भाग में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। उलझनों के बाद ही सही, लेकिन काम बनना शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद भी सावधानी तो आपको रखनी ही रखनी है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता पिता की सेवा करें व उनसे सलाह लेकर के ही काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब बात बचक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना अनुकूल रहेगा। यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो काम जरूर बनेंगे। जून के महीने की शुरुआत की बात करें तो यह आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। इस अवधि में आप अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे आपके काम भी बनते रहेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल ही नजर आ रहा है, जबकि महीने का जो दूसरा भाग है वो आपसे थोड़ा सा मेहनत करवा सकता है। कोशिश करें कि इस समय आप किसी गलत कार्य में संलग्न ना हो और वाहन आदि सावधानी से चलाएं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ को प्रसन्न रखें, माँ का आशीर्वाद लें, और अगर किसी जरूरी काम में जा रहे हैं तो उस समय माँ से पूछ कर जाएं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आशा कि इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाकर अपने जून के महीने को बेहतरी दे सकेंगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहें, इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। और हमारे वीडियोज़ को निरंतर देखते रहने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।